मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मामले में पिछड़े वर्ग का नया एंगल ले आए हैं। उन्हें पिछड़ों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के दबाव में अब तक आरक्षण का बिल लागू नहीं हुआ है। कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग के हक में लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन भाजपा की मानसिकता रही है कि इनके बीच में भेद डालना, इनकी उपेक्षा करना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को ठाकुर कहते हुए संबोधित किया और कहा कि भाजपा के ठाकुर रमन सिंह ने मुझे चूहा, कुत्ता, बिल्ली जैसे शब्दों से संबोधित किया था, ये भाजपा की मानसिकता है। श्री बघेल ने यह भी कहा कि अडानी के मामले में भाजपा जवाब दे कि उनके साथ क्या संबंध है, कितनी शेल कंपनियां हैं, इन सवालों के जवाब देना चाहिए। आज दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली से फिर वहाँ से चकरभाटा एयरपोर्ट से आके सरगांव में जो भरोसा का सम्मेलन जो हो रहा है उसमें शामिल होऊंगा। आज दिल्ली में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसे राहुल गांधी जी, गहलोत जी, वेणुगोपाल जी सब एड्रेस करेंगे, उसमें मैं भी रहूँगा। अभी जो स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी अडानी के मामले में मौन साधे हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक नया एंगल ले आए हैं कि पिछड़े वर्ग की बात। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूंगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है, शिक्षा में भी और नौकरियों में भी। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन वर्गों की उपेक्षा की है, इनके बीच में भेद डालने का काम किया है और अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने ये बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानुप्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूंगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम है वो केवल दिखावटी है, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और सीधा सीधा अडानी के मामले में जवाब देना चाहिए कि उनके संबंध उनके नेताओं से क्या रहे हैं। राहुल जी ने जो सवाल पूछे कितने बार उनके साथ विदेशी यात्रा की है, सेल कंपनी के रूप किस प्रकार से पैसे